एनईसी का मानना यह है कि अगर किसी देश को प्रोग्रेसिव होना है तो वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनको प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। बढ़ती आबादी की वजह से जितनी परेशानियाँ हिंदुस्तान देख रहा है, उतना ही टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन भी आ रहा है, और इन्हीं सब कारणों को देखते हुए एनईसी कमिटेड है स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट सोसाइटीज़ बनाने के लिए। इसमें देखिए दो तीन एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट तो यह है कि हमने इन बसों में, आपने देखा होगा, एक पैनिक बटन लगाया हुआ है। उसका मेन मकसद उसका यही है कि अगर किसी भी पैसेंजर को जो बस में बैठा है उसको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको कोई खतरा है या कोई रिस्क है, तो वो पैनिक बटन दबा देता है। जैसे ही वो पैनिक बटन दबाता है, विद इन कुछ क्षणों के अंदर हमने कंट्रोल रूम जो बनाया हुआ है, सेंट्रल कंट्रोल रूम एक है और 20 अलग अलग पूरे उत्तर प्रदेश में कंट्रोल रूम बने हुए, वहाँ पर इंफॉर्मेशन जाती है और वो इन्फॉर्मेशन डायल 112 को पास कर दी जाती है। नियरेस्ट जो बस के नियरेस्ट जो डायल 112 के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्मेशन चली जाती है और पुलिस के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको उनको बचाने का काम करते हैं। Orchestrating a Brighter World, NEC.